हेलो फ्रेंड्स, बिश्नोई किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बूंदी का रायता। बूंदी का रायता बनाने के लिए ये एक कटोरी दही हमने ले लिया है। इस दही को आप चाहें तो चमचे से मिक्स कर सकते हैं या फिर तो आप मशीन के द्वारा भी इसको पीस सकते हैं। ये देखिए आपका दही फिट के तैयार हो गया। ये एक भगोनी ली, इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया और इसको गैस पे चढ़ा दिया। जब तक पानी गर्म होगा तब तक हम इस दही में मसाला डाल लेते हैं। इसमें 1/4 स्पून काला नमक, 1/4 टेबल स्पून सफेद नमक, सेंधा नमक हो तो आप सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, 1/4 से भी कम लाल मिर्ची डाल करके इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आपका पानी गर्म हो गया है। अब इसमें हम बूंदी डाल देंगे। और बूंदी डाल करके ये गैस बंद कर देंगे। 2 मिनट गर्म पानी में पड़े रहने के बाद में इस बूंदी को छान लेते हैं। और इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जिससे ये थोड़ी ठंडी हो जाए। इसके बाद 1/4 टेबल स्पून तेल ले लिया, बाद 1/2 टेबल स्पून तेल ले लिया, गैस ऑन की, इस पर इसको गरम कर लिया। तेल के गरम हो जाने के बाद इसमें 1/4 टेबल स्पून हींग डाल देंगे। बहुत से लोग जीरे से छौंकते हैं लेकिन हम इसमें 1/4 टेबल स्पून राई डाल देंगे, मकरा राई जिसको छोटी राई भी बोल कहते हैं। इसी में ये 2 हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको इस दही में छौंक देंगे। बाद इसमें ये बूंदी जो हमने पहले से भिंगो कर रखी थी उसको डाल देंगे और इसको सजाने के लिए इसके ऊपर से हरी हरी धनिया डाल देंगे और इस तरीके से ये आपकी बूंदी का रायता बन करके तैयार हो जाता है। बूंदी का रायता।